लालच में एसी मैकेनिक ने रेकी करके डाला डाका, साथियों समेत हुआ गिरफ्तार। वाराणसी सिगड़ा पुलिस ने एक सनसनी खुलासा किया। एसी मैकेनिक जो कि कुछ दिनों पूर्व एक मकान में एसी की रिपेयरिंग के लिए गया, मगर पैसे के लालच ने उसके नियम को बदल डाला, जिसके बाद मैकेनिक ने अपने अन्य साथियों के साथ उस घर में रेकी कर योजनाबद्ध तरीके से डाका डाला। वहां के लाखों रुपए के जेवर व अन्य माल लेकर फरार हो गया। आज वाराणसी के एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी लूटे हुए लाखों के जेवर व एक मोबाइल लूट के अंजाम में शामिल एक मोटरसाइकिल समेत अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया। गिरफ्तार अभियुक्त वैभव गुप्ता निवासी थाना आदमपुर, मोहम्मद आजम निवासी थाना चेतगंज, सूरज नगर निवासी थाना आदमपुर, महमूद आलम निवासी थाना चौक के बताए जाते हैं। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की है रिपोर्ट। देखिए दिनांक 22 सितंबर को थाना सिगरा के पिशाच मोचन क्षेत्र में एक घटना हुई, काफी सेंसेशनल तरीके से घटना हुई, जिसमें एक यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जिनका प्रतिष्ठान यहाँ पे वाराणसी में है, उनके घर में दो बदमाश घुसे और उनकी पत्नी को वेपन दिखा करके, घर में उनके बच्चे भी थे, वेपन दिखा करके उनकी ज्वेलरी और मोबाइल फोन लूट करके ले गए। ये घटना बड़ी ही सेंसेशनल तरीके से की गई थी, घर में घुस करके की गई थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीओ चेतगंज, इंस्पेक्टर सिगरा, चौकी प्रभारी सोनिया, चौकी प्रभारी लल्लापुरा, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित करके इसमें घटना के वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हम लोगों ने घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया। घटनास्थल पे जाकर के लोगों से बातचीत करने से प्रथम दृष्टिया एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि जो इसमें अभियुक्त थे, इनका कहीं न कहीं से घर से आना जाना या कोई न कोई पहले से कोई परिचय था, क्योंकि जिस प्रकार से ये घर में इनकी एंट्री हुई थी और जिस प्रकार से घर में गए थे और वहाँ से आसपास के लोगों से जो जानकारी हुई, इन्होंने कुछ देर रह करके घर के बाहर वेट किया, उसके बाद फिर घर में एंट्री हुई इनकी, तो ये एक बड़ा मजबूत लीड हम लोग को मिली थी। इसी लीड को डेवलप करके ये पूरी घटना आज हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चार लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें पहला है मोहम्मद आजम खान, दूसरा वैभव गुप्ता और सोनू, तीसरा सूरज नागर और चौथा है महमूद आलम। पूरी जो घटना के पीछे इनसे पूछताछ हुई और जो एविडेंस हम लोगों ने डेवलप किए, उसके आधार पर ये निकला कि इसमें वैभव गुप्ता और सूरज नागर, ये दोनों लोग एसी एयर कंडीशनर बनाने के मिस्त्री हैं। मई महीने में इनके यहाँ जिसके घर पे लूट हुई थी, ये लोग एसी बनाने के लिए घर में गए थे, एसी की सर्विसिंग करने के लिए घर में गए थे और दो तीन घंटा ये लोग घर में थे। इसी दौरान इनको ये अनुमान लगा कि ये घर में बड़ी आसानी से इस तरह की घटना की जा सकती है। उसके बाद ये लोग लगातार प्लान करते रहे। इसी बीच इनकी मुलाकात आजम खान से हुई, जो मोहम्मद आजम है। इसने इस घटना को इनको कहा कि कोई इस तरह का घर बताओ जिसमें चोरी या इस तरह की लूट की घटना की जा सकती है, तब इन्होंने इस घर को बताया। और इन लोगों ने कई बार जा करके पूरी अपनी टीम के साथ रेकी यहाँ पे किया और दो तीन बार रेकी करने के बाद तब जिस दिन घटना घटित हुई, उस दिन जाकर के इन्होंने घटना को अंजाम दिया। शॉर्ट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।